नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ जंक्शन से नई दिल्ली तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ जंक्शन से नई दिल्ली के सभी स्टेशनों तक चलने वाली ट्रेनों की जानकारी के बारे में। चंडीगढ़ जंक्शन से नई दिल्ली के बीच में तकरीबन 20 ट्रेनें चलती हैं और उन सभी ट्रेनों के नाम नंबर, ट्रेन जो है चंडीगढ़ के कौन से प्लेटफॉर्म से कितने बजे रवाना होती है और कौन से दिन चलती है ट्रेन, और वो जो ट्रेन है उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं, कितना डिस्टेंस कवर करती है, कितनी देरी में अपना जो है दिल्ली से, चंडीगढ़ से दिल्ली अपनी दूरी जो है कवर कर लेती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस रूट पे जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि 20 ट्रेनें चलती हैं। इन सभी ट्रेनों की अगर बात करें तो 3 शताब्दी ट्रेन है, 1 जन शताब्दी ट्रेन है, 7 मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, 3 संपर्क क्रांति ट्रेन है, 5 सुपरफास्ट ट्रेन है और 1 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है अम्बंदौरा न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि 2 घंटे 55 मिनट में अपनी जर्नी जो है चंडीगढ़ से नई दिल्ली तक कवर करती है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे सभी ट्रेनों के बारे में बात कर लेंगे जो कि चंडीगढ़ जंक्शन से नई दिल्ली के बीच में चलती है। एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली ट्रेन जो कि चंडीगढ़ को नई दिल्ली से कनेक्ट करती है वो है नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 12312 और ये जो ट्रेन है डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। वैसे कालकाता से कोलकाता के बीच में चलती है, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच में। चंडीगढ़ जंक्शन से रोजाना रात के 1:25 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 4:35 बाद ये ट्रेन जो है सुबह 6 पुरानी दिल्ली स्टेशन पे 11 या 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचती है। इसके तकरीबन 11 स्टेशन हैं और 243 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इस रूट पे इसकी एवरेज स्पीड जो है 53 किलोमीटर पर आवर है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है, ICF कोचेस वाली ट्रेन है और एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 18310। ये जो ट्रेन है हफ्ते में 4 दिन चलती है चंडीगढ़ जंक्शन से हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को ये ट्रेन जो है रात के 1:45 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 4:45 बाद ये ट्रेन जो है पुरानी दिल्ली स्टेशन पे सुबह 6:30 पे 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचती है और इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं, 243 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 51 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। ICF कोचेस वाली ट्रेन है और एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है जम्मू तवी टाटानगर एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर है 18102। ये जो ट्रेन है चंडीगढ़ जंक्शन से हर इतवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार को रात को 1:45 पे ये रवाना होती है 2 नंबर प्लेटफॉर्म से और 4:45 बाद 6:30 पे ये ट्रेन जो है सुबह 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचती है। और ये जो ट्रेन है इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं, 243 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 51 किलोमीटर पर आवर। ICF कोचेस वाली ट्रेन है, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। वैसे ये ट्रेन जो है जम्मू तवी से टाटानगर के बीच में चलती है, बट इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ को दिल्ली से कनेक्ट करने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी के बारे में। इसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन इस रूट पर चलती है जो कि है संपर्क क्रांति ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12450। इसका ट्रेन का नाम है गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। चंडीगढ़ जंक्शन से हर सोमवार और शनिवार को ये ट्रेन जो है रात के 2:15 पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 3:40 बाद नई दिल्ली में सुबह 5:55 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंच जाती है और इसके तकरीबन 4 स्टेशन हैं, 244 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 67 किलोमीटर पर आवर। संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच भी शामिल है और ये LHB कोचेस वाली ट्रेन है। वैसे ये ट्रेन जो है चंडीगढ़ को गोवा से कनेक्ट करती है, बट इस वीडियो में हम जैसे बात कर रहे हैं चंडीगढ़ से दिल्ली तक चलने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी के बारे में। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है होशियारपुर दिल्ली एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 14012। होशियारपुर दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन जो है डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। चंडीगढ़ जंक्शन से हर रोज रात के 3:13 पे ये ट्रेन जो है 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 4:22 बाद सुबह 7:35 पे
ये पुरानी दिल्ली स्टेशन पे 10 या 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचती है। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऐसे ऑपरेट करता है। और अगर कोचेस के बारे में बात करें तो ICF कोचेस वाली ट्रेन है। इसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। अगर इस ट्रेन के रूट के बारे में बात करें तो ये पहले हुशियारपुर से स्टार्ट होती है, फिर जलंधर जाती है, जलंधर से लुधियाना, लुधियाना से चंडीगढ़ होते हुए ये ट्रेन जो है दिल्ली में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें तकरीबन 6 जनरल डिब्बे हैं, जो कि 3 जनरल डिब्बे इंजन की तरफ और ट्रेन के पीछे की तरफ 3 लगाए गए हैं, एक फर्स्ट AC का, एक सेकंड AC का, 2 थर्ड AC के और 5 कोचेस स्लीपर के हैं। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है चंडीगढ़ यशवंतपुर कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 22686। ये जो ट्रेन है हर मंगलवार और शनिवार को रात को 3:35 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 4:15 बाद ये ट्रेन जो है नई दिल्ली में पहुंचती है। इसके तकरीबन 4 स्टेशन हैं, 244 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 57 किलोमीटर पर आवर। संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। ICF कोचेस वाली ट्रेन है। और अगर इसके कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इसके तकरीबन 4 जनरल डिब्बे हैं, एक फर्स्ट AC का है, 2 सेकंड AC के हैं, 4 कोच थर्ड AC के हैं और स्लीपर क्लास के तकरीबन 8 कोच हैं। तो ये जो ट्रेन है बहुत ही बढ़िया ट्रेन है अगर आपने चंडीगढ़ से दिल्ली में जाना है। वैसे ये ट्रेन जो है चंडीगढ़ से यशवंतपुर बेंगलोर के बीच में चलती है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है चंडीगढ़ बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 22452। चंडीगढ़ जंक्शन से ये हर इतवार और बुधवार को 5:40 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 4:25 बाद ये ट्रेन जो है 10:05 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे दिल्ली कैंट में जाके पहुंचती है। इसके तकरीबन 5 स्टेशन हैं और 250 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 57 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। LHB कोचेस वाली ट्रेन है और इसमें एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है शताब्दी एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12006। ये जो ट्रेन है चंडीगढ़ जंक्शन से हर रोज़ 6:53 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 3:22 बाद ये ट्रेन जो है नई दिल्ली में 10:15 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचती है। इसके तकरीबन 5 स्टेशन हैं टोटल और 244 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 72 किलोमीटर पर आवर। शताब्दी टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और अगर कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें एग्जीक्यूटिव चेयर कार के 2 कोच और 14 कोच जो है AC चेयर कार के हैं। AC चेयर कार में डायनेमिक प्राइस जो है लागू होता है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है और इस ट्रेन में फूड फैसिलिटी भी जो है प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है ऊना हिमाचल न्यू दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12058। ये जो ट्रेन है चंडीगढ़ जंक्शन से रोजाना 7:43 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 4:02 बाद नई दिल्ली में 11:45 पे पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 8 स्टेशन हैं और 244 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ये जनशताब्दी टाइप की ट्रेन है और नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है इसे ऑपरेट करता है। इसमें 2 तरह के कोच हैं, AC चेयर कार का कोच है और सेकंड सीटिंग के कोच हैं। AC चेयर कार के तकरीबन 4 कोच हैं और सेकंड सीटिंग के तकरीबन 10 कोचेस इस ट्रेन में शामिल हैं। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है वो है चंडीगढ़ मदुरई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12688। यह जो ट्रेन है चंडीगढ़ जंक्शन से हर सोमवार और शुक्रवार को 8:05 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 5:55 बाद यह ट्रेन जो है हजरत निज़ामुद्दीन नई दिल्ली में पहुंचती है। ये जो ट्रेन है वाया सहारनपुर होकर हजरत निज़ामुद्दीन में पहुंचती है। और अगर हम बात करें इस ट्रेन के चलने के बारे में तो ये जो ट्रेन है इसके तकरीबन 8 स्टेशन हैं, हजरत निज़ामुद्दीन में 2:00 पहुंचती है और 310 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 52 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसमें सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। ICF कोचेस वाली ट्रेन है और एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है।
इसके बाद जो सबसे स्लोएस्ट ट्रेन इस रूट पे चलती है वो है कालका दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि वाया सहारनपुर होकर चलती है। फुली अनरिजर्व ट्रेन होती है। इसका ट्रेन नंबर है 14,332। ये जो ट्रेन है चंडीगढ़ जंक्शन से चलती है, फिर अम्बाला होते हुए या सहारनपुर होते हुए, मेरठ होते हुए पुरानी दिल्ली स्टेशन पर जाके पहुँचती है। चंडीगढ़ जंक्शन से सुबह 8:20 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है और पुरानी दिल्ली स्टेशन पर दोपहर के 3:35 पर यह 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके पहुँचती है। 7 घंटे 15 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 27 स्टेशन हैं, 307 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 42 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसमें सिर्फ जनरल डिब्बे होते हैं, आप जनरल टिकट लेकर जा सकते हैं। ये ट्रेन कालका से स्टार्ट होती है और पुरानी दिल्ली स्टेशन पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करते हैं। अगर कोच कंपोजिशन के बाद बात करें तो इसमें तकरीबन 9 कोचेस होते हैं जिसमें आप जनरल टिकट लेके जा सकते हैं। जनरल टिकट का किराया लगभग 110 रुपये के करीब है, जो कि चंडीगढ़ से पुरानी दिल्ली स्टेशन तक का बता रहा हूँ। बाकी आप फिर भी अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में केरला सब इसके अलावा अगली जो ट्रेन है इस रूट पर वो है केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12,218। ये जो ट्रेन है हर चंडीगढ़ से हर बुधवार और शुक्रवार को सुबह 9:30 पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, 2 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। और नई दिल्ली में ये ट्रेन जो है दोपहर के 12:55 पे 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाती है। 3 घंटे 25 मिनट का समय लेती है और इसके तकरीबन 3 स्टेशन ही है, सिर्फ अम्बाला इसका बीच में स्टेशन आता है। चंडीगढ़ से चलती है अम्बाला फिर नई दिल्ली में पहुंच जाती है। बहुत ही बढ़िया ट्रेन है, मैंने इस ट्रेन में खुद सफ़र किया हुआ है। 244 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 71 किलोमीटर पर आवर। और अगर कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। और ये जो ट्रेन है नॉर्दर्न रेलवे जोन द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है और पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि चंडीगढ़ से स्टार्ट होती है। इसका नाम है चंडीगढ़ न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, जो जिसका ट्रेन नंबर है 12,046। ये जो ट्रेन है चंडीगढ़ जंक्शन से बुधवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चलती है। दोपहर के 12:05 पर यह 1 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 3 घंटे 15 मिनट बाद यह ट्रेन जो है नई दिल्ली में दोपहर के 3:20 पर पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 4 स्टेशन हैं और 244 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 75 किलोमीटर पर आवर। शताब्दी टाइप की ट्रेन है। और अगर कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें 3 एग्जीक्यूटिव चेयर कार के कोच हैं और 10 कोच जो हैं वो एसी चेयर कार के हैं, जिनमें फूड फैसिलिटी जो है आपको मिलती है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है वो है पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12,926। यह जो ट्रेन है चंडीगढ़ जंक्शन से हर रोज़ दोपहर के 12:20 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 4 घंटे का समय लेती है ये नई दिल्ली तक पहुंचने के लिए। नई दिल्ली में शाम के 4:20 पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 8 स्टेशन हैं और 244 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 61 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। एक पेंट्री कार का कोच भी इसके साथ शामिल होता है। इसके बाद चंडीगढ़ को नई दिल्ली से कनेक्ट करने वाली सबसे प्रीमियम और सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो है अम्बंदौरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 22,448। ये जो ट्रेन है चंडीगढ़ जंक्शन से शुक्रवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चलती है और 2:55 में ये ट्रेन जो है नई दिल्ली में पहुँच जाती है। चंडीगढ़ से ये दोपहर के 3:30 पर चलती है 1 नंबर प्लेटफॉर्म से और नई दिल्ली में 11 नंबर प्लेटफॉर्म पर शाम के 6:25 पर पहुँचती है। अगर इसके ट्रेन के टाइप के बारे में बात करें, वंदे भारत टाइप की ट्रेन है और नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। इसमें 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार और बाकी 14 कोच जो हैं एसी चेयर कार के हैं। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेन है, मैंने इसमें पर्सनली 5-6 बार सफ़र किया हुआ है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है चंडीगढ़ इंदौर वीकली एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 19,308। ये जो ट्रेन है चंडीगढ़ जंक्शन से हर शुक्रवार को शाम को 4:30 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 6:05 बाद हजरत निज़ामुद्दीन में पहुंचती है। ये ट्रेन भी जो है वाया सहारनपुर होकर चलती है और इसके तकरीबन 6 स्टेशन हैं, 310 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 51 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है।
और अगर कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। और एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन है, वैसे ये ट्रेन जो है चंडीगढ़ को इंदौर से कनेक्ट करती है, बट इस वीडियो में हम चंडीगढ़ से दिल्ली तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद चंडीगढ़ से दिल्ली तक चलने वाली जो अगली ट्रेन है वो है उचाहार एक्सप्रेस। उचाहार एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 14218। ये जो ट्रेन है चंडीगढ़ जंक्शन से, ट्रेन जो है हर रोज शाम के 4:45 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 4:25 बाद पुरानी दिल्ली स्टेशन पे रात के 9:10 पे 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर लेती है। और इसके तकरीबन 12 स्टेशन हैं, 243 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है वो है 55 किलोमीटर पर आवर इस रूट पर। और फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। ICF कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है जिसका नाम है कालका साई नगर शिरडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 22456। यह जो ट्रेन है चंडीगढ़ को साईनगर शिरडी से कनेक्ट करती है। वैसे ये ट्रेन जो है, अगर हम बात करें चंडीगढ़ से दिल्ली के बारे में, तो चंडीगढ़ जंक्शन से हरिद्वार और बृहस्पतिवार को शाम के 6:07 पर यह 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 4:08 बाद यह ट्रेन जो है नई दिल्ली में रात के 10:15 पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके पहुँचती है। इसके तकरीबन 4 स्टेशन हैं और 244 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है तकरीबन 60 किलोमीटर पर आवर। सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। ICF कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो तीसरी शताब्दी एक्सप्रेस इस रूट पे चलती है उसका नाम है कालका न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि डेली ट्रेन है। इसका ट्रेन नंबर है 12012। यह जो ट्रेन है चंडीगढ़ जंक्शन से रोजाना शाम के 6:23 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 3:27 बाद नई दिल्ली में रात के 9:50 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 6 स्टेशन हैं, 244 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 71 किलोमीटर पर आवर। शताब्दी टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसमें एग्जीक्यूटिव चेयर कार और एसी चेयर कार के कोच हैं। एग्जीक्यूटिव चेयर कार के तकरीबन 2 कोच और 14 कोच इसमें एसी चेयर कार के हैं। LHB कोचेस वाली ट्रेन है, बहुत ही बढ़िया ट्रेन है अगर आपने चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए जाना है। इसके बाद चंडीगढ़ को दिल्ली से कनेक्ट करने वाली जो आखिरी ट्रेन है उसका नाम है अम्ब अंदौरा हजूर साहिब नांदेड़ वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 22710। ये जो ट्रेन है चंडीगढ़ जंक्शन से हर बृहस्पतिवार को शाम को 6:55 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 4:05 बाद ये ट्रेन जो है रात के 11 बजे नई दिल्ली में 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 4 स्टेशन हैं, 244 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 60 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके दोस्तों इसी के साथ चंडीगढ़ से दिल्ली तक चलने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। कमेंट करके बताएं कि आपकी फेवरेट ट्रेन कौन सी है और आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।